श्रीलंका के खिलाफ टी20 सीरीज में भारतीय टीम में लौटे दो दिग्गज खिलाड़ी। दोस्तों, दो दिग्गज खिलाड़ी ऐसे हैं जो श्रीलंका की पूरी टीम को अकेले दम पे हराने का दम रखते हैं। दोस्तों, आपको पता है भारतीय टीम ने वेस्ट इंडीज को वनडे सीरीज में 3-0 से हराया, उसके बाद टी20 सीरीज में भी 3-0 से हरा दिया और क्लीन स्वीप कर दिया। अब बारी है श्रीलंका को हराने की 3-0 से और 2-0 से। भारत और श्रीलंका के बीच में 24 फरवरी को लखनऊ में पहला टी20 मुकाबला खेला जाएगा शाम के 7 बजे से, जिसकी प्लेइंग 11 लगभग जारी हो चुकी है, जिसमें भारतीय टीम में दो बड़े बदलाव किए हैं राहुल द्रविड़, कप्तान रोहित शर्मा ने। दोस्तों, दो बड़े बदलावों में सबसे पहला नाम निकल के आता है रविंद्र जडेजा का। रविंद्र जडेजा की भारतीय टीम में वापसी हो चुकी है। अगर रविंद्र जडेजा की गेंदबाजी और बल्ला चल गया तो इकलौते दम पे श्रीलंका टीम को हरा देंगे। साथ ही गेंदबाजी में वापसी हुई है जसप्रीत बुमराह की। दोस्तों, उपकप्तान इस टीम के जसप्रीत बुमराह श्रीलंका के खिलाफ, और जसप्रीत बुमराह अगर गेंदबाजी में चल गए तो फिर श्रीलंका के बल्लेबाजों के पर खर्चे उड़ा के रख देंगे। और दोस्तों, पहले टी20 मुकाबले में श्रीलंका के खिलाफ को ओपनिंग करते नजर आएंगे ऋतुराज गायकवाड़ के साथ रोहित शर्मा। ऋतुराज गायकवाड़ को रोहित शर्मा ने एक बार और मौका दिया है। दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि पहले टी20 को कौन सी टीम जीतेगी।